जगह जगह पर चंगाई सभाएं आयोजित होती। मुझे हमेशा कहते हैं लोग कि आप क्या करते हो कि हिंदू बाबाओं को ही एक्सप्रेस करते हो, इसलिए मैं ये उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। दरगाहों के बारे में जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो मुस्लिम लोगों की हमेशा हमको साथ मिलती है। जो धर्म पर आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उन लोगों का भी हमेशा हमें साथ मिला है। और नागपुर के पत्रकारों का बहुत ही अच्छे ढंग से हमेशा साथ मिला है। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो फास्टेस्ट गुणाकार करती है, ह्यूमन कंप्यूटर का यानी उसको माना गया था। वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून सो कैन शकुंतला देवी। यानी भगवान जितना अचूक एक्यूरेट भविष्य बता सकते हैं उतना शकुंतला देवी बता सकती है। हमने उनको चैलेंज किया, तब हमारा प्राइस 1,00,000 रुपए का था, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का। शकुंतला देवी वो स्वीकारने वाली नहीं है, हमको पता था, इसलिए हमने उसका वहां जो ठहरी थी राधिका होटल, उसके सामने निदर्शन करने के लिए 11 बजे पहुंचे। उसके पहले ये आह्वान सभी वृत्त पत्रों में, सभी पेपर्स में प्रकाशित हुआ था। और मैंने कहा था कि क्योंकि 3 दिन उसके आगे के बुक हो चुके थे, 3 मिनट का समय मिलता था, आपको अपनी जन्म तारीख कहनी है, जैसे ही एंट्री देते हो उसके आधार पर वो 3 सवालों के जवाब देती थी, 3 मिनट में आपको बाहर जाना है, उसके 300 रुपए लगते थे और इसका बुकिंग ऑलरेडी 3 दिन का हो चुका था। तो इसलिए मैंने लोगों को विनंती की कि ऑलरेडी आपने पैसे भरे हैं, आप पूछने ही वाले हो, तो 1 सवाल मेरा पूछिए, 2 सवाल आपके पूछिए। मराठी पेपर्स ने ये सभी सवाल छाप दिए। सवाल कैसे थे कि भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पूछिए मेरी शादी कब होगी, आपको बच्चे है तो पूछिए मेरा मुझे बच्चे कब होगे। उनको अगर समझता है भगवान की तरह वो करेक्टली फॉर्चून बता सकती है तो आपका भी बताएगी। जब हम 11 बजे सब पहुंचे वहां तक, तो एक सरदार जी झगड़ने के लिए मेरे सामने आ गए, ये क्या आने का समय है, सुबह से मैं आपकी राह देख रहा हूं। मैंने इतने लोगों को पकड़ के रखा था, 50 लोगों को पकड़ के रखा था, 15-20 भाग गए, अभी 20 बचे, उनको पकड़ो। बोला क्या हुआ भाई? उनका पहला नंबर था सुबह सुबह, उनको लगा मानव जी का एक ही सवाल क्यों पूछने का, 3 सवाल पूछेंगे। उनकी उम्र शायद 40 के आसपास थी। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि मैं कितने दिन से कोशिश कर रहा हूं, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा। तो शकुंतला देवी ने उनकी जन्म तारीख तो देखी थी, उसके आधार पर कह दिया कि आपका व्यवसाय चलने की गुंजाइश बहुत कम है, थोड़ा मोटा ऐसा ही चलने वाला। फिर उसने पूछा मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरी शादी कब होगी। अब जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा, खाना पीना भी नहीं जिसको ठीक ढंग से मिल रहा, वो क्या शादी करेगा। इसलिए शकुंतला देवी ने कहा, यानी उनको जन्म तारीख पहले से पता थी, वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, अंक के आधार पर भविष्य बताती थी, और उन्होंने कहा तुम्हारी शादी होना बहुत कठिन है, कभी कभी बहुत सालों बाद शायद हो जाए। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा मुझे बच्चे हो गए क्या और कितने बच्चे हो गए। अब शकुंतला देवी ज्यादा चिढ़ गई, उनको लगा तुम्हारी शादी होना संभव नहीं है, तुम्हारा व्यवसाय चलता नहीं है, तो बच्चे कहां से हो गए तुमको। और सरदार जी के पेशेंट छूट गए, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरे नहीं है क्या, मेरी शादी तो कब की हो गई है, मुझे बीवी है। और फिर सरदार जी तू मैं पर आ गए और बोलने लग गए, तू कहती है मेरा व्यवसाय नहीं चलता, मेरे इतने होटल्स है, मेरा इतना ये सब, उसने रखना शुरू कर दिया। राधिका होटल के मालिक उसको पहचानते थे, इन्होंने एकदम तमाशा चालू कर दिया, ये झूठी है, ऐसा है, कहती है कि भगवान की तरह मैं सच्चा भविष्य बता सकती हूँ। फिर उन्होंने कैसे तो भी समझाया और सरदार जी एक ही काम करने लगे, जो भी आदमी अंदर जा रहा है जिसने पहले से 300 रुपए भरे, मानव जी का एक सवाल पूछना है, पेपर में ऐसा ऐसा लिखा ऐसा पूछने का, और उन 50 लोगों को उन्होंने पकड़ कर रखा था, देरी से आए, 11 बजे आए, इसलिए 20-21 लोग बचे थे, उनको मैंने रिकॉर्ड किया पुलिस स्टेशन में, सिद्धाबरड़ी पुलिस स्टेशन में वो प्रूफ दिए। और वहां के इंस्पेक्टर ऐसे थे कि रात को 12 बजे उन्होंने FIR दाखिल किया, सोई हुई शकुंतला देवी को उठाया, उनको पुलिस स्टेशन ले गया। शकुंतला देवी को मानने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे, केंद्र से, गृह मंत्रालय से, नागपुर के कमिश्नर जी को फोन आया। और दूसरे दिन
सुबह सुबह शकुंतला देवी को एरोप्लेन में बिठाकर नागपुर के बाहर भेजा गया। एफआईआर दाखिल हुआ लेकिन कुछ आगे हुआ था। लेकिन उनका जो कार्यक्रम था गणित का, ह्यूमन कंप्यूटर सिद्ध करने का, वो रद्द हुआ। दूसरा बड़ा उदाहरण है नागपुर का पायदड बाबा। पत्रकार भवन के पास में जो ग्राउंड है और स्टेडियम है जिसको हम यशवंत स्टेडियम कहते हैं, वहां पर 10x10 का एक गड्ढा खोदा था, उसको इन्होंने ऊपर से बंद किया था और 72 घंटे तक वो उसके अंदर रुके थे। अब 72 घंटे तक वो रुके हैं अंदर और उन्होंने दावा किया कि मेडिटेशन के जरिए, साधना के जरिए मैं ऐसी समाधि अवस्था प्राप्त करता हूं कि जिसमें मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बिना ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता हूं। जब वो बाहर आए तब उनका और मेरा माइक पर संवाद हुआ। उन्होंने गाली वाली भी दी, गाली खाने की मुझे आदत है। उसके बाद में वो भागने लग गए, ऐसा लोगों को लगा, इसलिए लोग उनको जाने नहीं देते थे। पुलिस डीसीपी ने मुझे विनंती की कि पायलट महाराज को जाने दीजिए। और तब आपको अचरज लगेगा कि करीबन 5000 पब्लिक वहां इकट्ठा हुई थी, स्टेडियम का एक हिस्सा भी टूट गया था उस कारण, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जाते समय कम से कम 200-300 मोटरसाइकिलें बाबा को घेर कर रवि भवन तक गई थी। मुझे उनको समझाना पड़ा कि बाबा भाग नहीं रहा है, उसके साथ में चर्चा होगी, वो आह्वान स्वीकारेगा। रवि भवन में पत्रकारों के सामने उसके साथ में चर्चा हुई, तारीख आगे की तय हुई, उस तारीख को वो आएगा और हम 10x10 का एक कांच का घर तैयार करेंगे, उसमें से प्राणवायु निकाल लेंगे और उसमें आधे घंटे तक महाराज बैठेंगे। अब आधे घंटे तक प्राणवायु के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, वो आह्वान उन्होंने स्वीकारा। जिस दिन यह आह्वान कंप्लीट होने वाला था उस दिन सब पत्रकार रहा देख रहे, अभी पायलट बाबा आएगा, अभी पायलट बाबा आएगा। कांच वाले से हमने बात की थी, कांच वाला बोले आपके पास पैसे नहीं होते, तब हमारे पास 1,00,000 रुपए का प्राइस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अलग अलग तरीके से बैंक गारंटी मिलवाई थी। वो बोले आप काटोगे तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे ही महाराज जी एरोप्लेन से नीचे उतरेंगे, मुझे आप इतला कीजिए, मैं आपको 2 घंटे के अंदर पूरा घर तैयार कर देता हूं, तब तक हम काज भी नहीं काटेंगे। और अब मुझे पता था, हमें सबको पता था कि महाराज क्या अपने आप को मरवाने के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि प्राणवायु निकालने के बाद आधा घंटा कौन जिंदा रह सकता है। ऐसी कोई समाधि अवस्था इस दुनिया में नहीं है, वो तो मेरे अभ्यास का विषय है, बहुत गहराई से मेरा उस विषय का अध्ययन है। तो नेचुरली महाराज नहीं आएंगे, नहीं आए। पायलट बाबा जैसा दबंग बाबा भी भाया से भाग गया। तीसरा मित्र गोल का पत्थर, मधुसूदन पटवर्धन नाम का एक व्यक्ति पेपर में जाहिरात देता था, पूरे पेज भर जाहिरात होती थी और उसमें दावा करता था कि ये 20 रुपए का मेरा पत्थर ले लो, राशि का पत्थर है और आपकी हर समस्या छूट जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपको बच्चे हो जाएंगे, आपके कोर्ट के केस आपकी तरफ से उसका निर्णय आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उनके खिलाफ हमने नासिक में बहुत बड़ा आंदोलन किया, 7 दिन तक आंदोलन चला, हमने गधों का मोर्चा भी निकाला, पुलिस ने हमारे गधे जब्त किए, लेकिन कोई न्यूज़पेपर में नहीं छपा। अब मैं पत्रकार रहा हूँ, लोकमत से तब जुड़ा ही था, 9 साल तक मैं लोकमत में कॉलम लिखता था, यूथ कॉलम और अंधश्रद्धा इस विषय पर कॉलम लिखता था। पत्रकार सभी एक दूसरे को जानते हैं। पत्रकारों ने मुझे धीरे से कहा कि एक एक पेज एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो आपकी बात हम कैसे छाप सकते हैं। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा नागपुर ऐसा नहीं है, नागपुर किसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे दबता नहीं है, हिम्मत है तो महाराज ने नागपुर में आना है। और वो उसको इतना विश्वास था क्योंकि वो गुजरात में घूमता था, मध्य प्रदेश में घूमता था, पूरे महाराष्ट्र में जाता था, उसको लगा नागपुर ऐसी क्या चीज है, नागपुर में भी आया और नागपुर में मुझे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बुलाया, ऐसी जाहिरात कर आया। अब पहले हमने तो उसके सामने 20 पैसे में पत्थर बेचने शुरू किए, जैसे पत्थर को बेचता था 20 रुपए के, खंबायत से मंगवाए 7-8 पैसे में, वो पत्थर पड़ते थे, आने जाने का खर्चा जोड़ के हमने 20 पैसे लगाए। लोग भी इतने होशियार कि हमसे 20 पैसे का पत्थर खरीदते थे, क्योंकि उसको जाहिर करना पड़ा था कि वो लोगों को ठगता नहीं है, 420 के कलम के अंतर्गत ना आए, इसलिए उसने अपने जाहिरात में लिखा था कि अगर आप ये पत्थर वापस करना चाहे तो आपके 20 रुपए वापस मिलेंगे।
तो लोग क्या करते थे, हमसे 20 नए पैसे का पत्थर खरीदते थे, उससे जो पत्थर लिया है उसी रंग का, और ये पत्थर उसको वापस देते थे, 20 रुपए लेते थे और उसका पत्थर अपने जेब में रखते थे कि शायद ये राशि का पत्थर है तो कुछ फायदा मिले। तो हमारे ध्यान में आया कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन क्या प्रकार है, कैसा होगा इससे। सुबोध धर्माधिकारी यहाँ के एडवोकेट है, हम दोनों लॉ कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। मैंने उनसे विनंती की कि कोई कानून है क्या इसके तहत काम में आएगा। उन्होंने अपने सभी एलएलएम के स्टूडेंट्स भिड़ा दिए और ये एलएलएम के स्टूडेंट में एक देव नाम के स्टूडेंट थे जो आगे चलकर हाईकोर्ट के जज बने, उनको सुबह 4 बजे ये कानून मिला। वो मुझे सुबह 4 बजे मेरा घर ढूंढते ढूंढते आए, हम दोनों ने अपना दिमाग लगाकर जितना दिमाग लग सकता है, मेरा वो तो एलएलएम कर रहे थे उनका दिमाग ज्यादा चल रहा था, मैंने बीच में ही छोड़ दिया था इसलिए मेरा दिमाग उतना नहीं चल रहा था। तो हमने अपना दोनों ने दिमाग लगाया और ध्यान में आया कि ये कानून इसको लागू होता है। विजय कांबले नाम के डीसीपी थे इस जोन के, उनको जाकर हम भिड़ गए। उन्होंने बड़े बारीकी से इस बात को समझा, पीपी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाया, मैं और देव दोनों उनको समझा रहे घंटा भर तक पीपी को कि कैसे कानून लागू होता है, और पीपी कह रहे कि कानून लागू ही नहीं होता है। तब फिर मैंने पहले बार देखा विजय जी कांबले जो डीसीपी है उनका रौद्र रूप, वो इतने चिढ़ गए थे पीपी को, नागपुर के प्रधान पीपी को कहने लग गए कि आप ऐसे ही हम अफसर को ठगते हैं क्या, अच्छा हो गया मैंने लॉ ग्रेजुएट हूं, आप बाजू हट जाइए, मेरे पास अधिकार है, मैं सब कुछ कर लूंगा। और उन्होंने तय किया एफआईआर दाखिल करने का, हम रहा देख रहे एफआईआर नहीं दाखिल कर रहे, एफआईआर नहीं दाखिल कर रहे, क्या हो गया। वो कहते थे शाम राव चुप रहो मैं देखता हूं क्या करना है। और उन्होंने बराबर शनिवार के शाम को 5 बजे एफआईआर दाखिल कर उस आदमी को अरेस्ट की, हथकड़ियां लगाई। उसके पहले मुझे इतला दिया, मैंने पूरे प्रेस को वहां बुलाया और सारे प्रेस ने हथकड़ियां लगाई हुई उनकी फोटो सारे पेपर्स में छाप दी। शनिवार 5 को उनको अरेस्ट होने के कारण रविवार को छुट्टी थी, सोमवार तक उनको अंदर रहना पड़ा, पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे विजय कांबले जी ने क्यों जल्दी काम नहीं किया। जब भी मुझे वो मिलते, बाद में मुंबई में कमिश्नर थे, जब भी वो मिलते थे मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि क्यों, मैंने वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मैंने बोला सर आपके कारण ही वो मिला है, आपके कारण ही वो चालू हुआ है और उसके अंदर कई लोगों को हम आज तक जेल में भेज चुके हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह पर चंगाई सभाएं आयोजित होती, क्रिश्चियन मिशनरीज इसको आयोजित करते हैं, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, और ये सब यीशु की कृपा से या फिर यीशु की प्रार्थना से होता है। हमारे यहाँ कस्तूरचंद पार्क में इस ढंग का एक आयोजन हुआ, तब मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका था। हमारे उमेश बाबू चौबे, आज हम सभी को उनकी बहुत बार बार याद आती है, हमारे उमेश बाबू चौबे हरीश जी देशमुख इन ग्रुप ने वहां पहले आंदोलन किया और जादू टोना विरोधी कानून 1954 जो है, सॉरी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 जो है उसके तहत अपराध दर्ज करवाया और नागपुर में ये 5ों मिशनरीज को अरेस्ट हुई। ये जो मिशनरी थे उसमें एक भारत के थे, उनका नाम रायबुरडे था, और बाकी के 4 मिशनरीज फॉरेनर्स थे, उनके नाम भी याद रखना बड़ा मुश्किल है। वो कह रहे थे कि भाई मैं पूरे दुनिया में हम घूमते हैं, इस ढंग का कोई कानून हो सकता है जो हमें अरेस्ट कर सकता है, ये उनके लिए बहुत अचरज की बात है। फिर साहब उसके पहले की बात है, ये बात की बात है, लेकिन उसके पहले सुंदरदास महाराज यहाँ आए थे जब मैं यहाँ पर था नागपुर में। ये सुंदरदास महाराज खास कर राम स्नेही पंथ के बाबा माने जाते हैं, कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस होता है, उसके वो चीफ है। वो पहले अकोला में आए, अकोला में राम स्नेही पंथ बहुत अमीर लोगों का पंथ है, बहुत पढ़े लिखे लड़के इसमें होते हैं, उन्होंने कुछ विरोध करने का प्रयास किया उनको भगा दिया गया। अमरावती के लड़कों ने उनको विरोध करने का प्रयास किया, उन पर बंदूकें ताने गई,
वे लोग उनमें डॉक्टर मारू मेरे मित्र थे वो लेकर सबको आए मेरे पास। तब मैं किसी दौरे पर जा रहा था, मैंने कहा ठीक है मैं दौरे से वापस आऊँगा फिर देखते हैं पायलट बाबा को। ये सब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लड़के चिढ़ गए, आपको क्या मजाक लग रही है क्या बाबा के, आऊँगा और एक दिन मैं उनको सलटा दूंगा। बहुत ऐसा दबंग है वैसा दबंग है और पूरी जानकारी उन्होंने मेरे सामने रख दी। क्या जानकारी थी कि ये बाबा हर व्यक्ति को कहता था अपने प्रवचन में कि पुरुषों को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग उपलब्ध होते हैं, लेकिन स्त्रियों को 10 मार्ग उपलब्ध होते हैं। पुरुषों के सामने ये 10वां मार्ग वो कभी बताते नहीं थे और स्त्रियों को कहते थे कि तुम अगर दीक्षा लोगी तो तुम्हें 10वां मार्ग प्राप्त होगा, तुम्हें 10वें मार्ग से मोक्ष प्राप्त होगा और केवल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे पिता पति को प्राप्त होगा, तुम्हारे पिता को प्राप्त होगा, तुम्हारे भाई को प्राप्त होगा, बहन को नहीं प्राप्त होगा क्योंकि बहन भी उपलब्ध चाहिए, माता को नहीं प्राप्त होगा, बेटी को नहीं प्राप्त होगा, पति को प्राप्त होगा, पिता को प्राप्त होगा, बेटे को प्राप्त होगा। यानी पिता ने बेटे ने और पति ने अगर कोई भी श्रम नहीं किए तो भी उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और ये जो 10वां मार्ग है वो महाराज के साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो उस मार्ग के जरिए मोक्ष प्राप्त होता है। ये सब प्रूफ्स मेरे पास आ गए थे। हमारी पूरी टीम फिर से उमेश बाबू चौबे हरीश जी देशमुख बाकी काफी लोग मेरे साथ में हम सब लोग गए। इसमें अड़चन हमारी ऐसी थी कि हमारे एक डॉक्टर मित्र हमको बहुत मदद करते थे और उन्हीं के चाचा के यहाँ सब कुछ हो रहा था, वहीं पर ये महाराज का मुकाम था और वहां पर बड़े पैमाने पर हमको उस बाबा को एक्सपोज करना पड़ा। जब सुंदरदास महाराज बदमाशी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, ये हमने अपने इंटरव्यू में साबित किया, तो वहां के सब लड़के जो लोग थे वो चिढ़ गए थे, स्त्रियां उनको पकड़ कर बैठी थी, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो हमसे विनंती कर रहे थे कि कृपया आप बाबा को छोड़ दीजिए, कम से कम हमारे घर के अंदर कुछ मत। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में काम करते हैं, उनके आप चचा हैं तो ठीक है आप उनको घर के बाहर कर दो, उसके लिए हम आपको समय देते हैं, उसके बाद में बाबा के साथ में हम क्या करना चाहते करेंगे। तब नागपुर के पुलिस आयुक्त थे मेंडोसा साहब, उनका बहुत नाम था, सभी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, यानी वे जब भी किसी दुकान में जाते थे तो पुलिस की गाड़ी लेकर नहीं जाते थे, उनकी बीबी रिक्शा से जाती थी। किसी दुकानदार ने अगर कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा तो वो सामान छोड़कर उठकर चले जाते थे, ऐसे बहुत ही निष्प्रभ बहुत ही ईमानदार करके उनका नाम बहुत मशहूर है। मेंडोसा साहब के पास गए, उनसे कहा कि हम बाबा को केवल गधे पर बिठाकर फोटो निकालना चाहते हैं, आपकी पुलिस बीच में नहीं आनी चाहिए। वो बोले आप कभी कानून हाथ में नहीं लोगे? हम कानून तो बिल्कुल हाथ में नहीं लेते हैं, आपको तो मालूम है मैन हैंडल कभी करते नहीं, किसी को मार पड़ने नहीं देते, ठीक है लेकिन एक मिनट के ऊपर समय मत लगाओ, केवल फोटो निकालने तक उनको बिठाओ उतना ही करो। और हम गधा लेकर आ रहे तब तक ये महाराज को कार में बिठा के गाँव के बाहर छोड़ कर आए थे। तो ये सुंदरदास महाराज भी यहाँ से भाग गए। अब उन लोगों ने हमारे साथ में विश्वासघात किया, इसका हमको बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम भी बात को समझते थे। 5 साल तक मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि इसमें सबसे बुरी बात थी कि जिस लड़की को दीक्षा दी जाती थी उसका प्रोसेशन निकाला जाता था और सब आसपास के लोगों को पता चलता था कि सुंदरदास महाराज ने इसको दीक्षा दी है। अगर मेरे कॉलम में मैं लिखता दीक्षा का मतलब क्या है तो वह सभी लड़कियां बदनाम हो जाती, क्योंकि वो कॉलेजेस में पढ़ रही थी, कोई मेडिकल में पढ़ रही थी, कोई इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी, कोई CA कर रही थी, उन लड़कियों के नाम भी हमें पता चल गए थे क्योंकि उनके प्रोसेशन निकले थे इसलिए सबको ही पता था, लेकिन प्रोसेशन का मतलब मालूम नहीं था। यानी बाबा के साथ में संबंध रखा इसलिए दीक्षा प्राप्त हुई और इसलिए उसका प्रोसेशन ताकि उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको भी लगे कि मैंने बहुत पवित्र काम किया है, मुझे भी मोक्ष मिलेगा, मेरे पिताजी को भी मोक्ष मिलेगा, मेरे भाई को भी मोक्ष मिलेगा। ये सुंदरदास महाराज चांद तारा चमत्कार कांठी में, अभी आप सभी जानते हो, कम से कम पेपर्स के मैगजीन से माध्यम से आप जानते हो कि जब भी दरगे में कोई अनुचित घटना होती है तो हम वहां जाकर काम करते हैं। मीरा दातार के दरगे हो, नासिक का हो, मुंबई का हो, पुणे का हो,
या फिर सैलानी के दरगे हो, यहां का भी दरगाह हो, वहां भी हम ये सब काम करते आए। दरगों के बारे में जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो मुस्लिम लोगों की हमेशा हमको साथ मिलती है, लेकिन वे मुस्लिम लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं मस्जिद के बारे में। काम ठीक है, मस्जिद में चांद तारा चमकने लग गया और सब पेपर्स और सब जगह छप कर आने लग गया कि ये चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। और वहां पर उमेश बाबू चौबे, हरि जी, देशमुख, इन सब टीम ने जाकर लोगों को समझाया, उस चमत्कार के पीछे का सत्य उजागर किया और वो चमत्कार रुका। तो मित्रों, फिर एक ही उदाहरण मैं दूंगा, क्योंकि कई बाबा हमने हजारों बाबा एक्सपोज किए, इसलिए मुझे हमेशा कहते हैं लोग कि आप क्या करते हो कि हिंदू बाबाओं को ही एक्सपोज करते हो, इसलिए मैं ये उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मॉरिस सेरुलो नाम का एक पादरी मिशनरी मुंबई में आया, जहां बाबा साहब ठाकरे जी की हमेशा सभा होती है, वो शिवाजी पार्क में इसका चंगाई सभा आयोजन हुआ। वो ये अंधा दिखता है, बहरा चलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है बाला। उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दायर की, पुलिस ने धीरे से मेरे कान में बता दिया कि सर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। इंस्पेक्टर ने कहा क्योंकि मुझे मंत्रालय से डायरेक्ट दबाव है। सीपी से मिला मुंबई, उन्होंने एडिशनल सीपी तक भेजा, वो भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने हाईकोर्ट को मूव किया, हाईकोर्ट बंद होते समय में जरा मेरे एडवोकेट संघवी नाम के यंग थे, वो वकील का कोट भी पहने में नहीं थे, खड़े हो गए। पहले तो न्यायमूर्ति ने उन्हें डांटा, जब विषय सुना वो आधे पौन घंटे तक रुके और उन्होंने निर्णय दिया लिखित स्वरूप में कि इमीडिएट एक्शन ले, कानून के तहत इमीडिएट एक्शन लेना आवश्यक है, जादू रोनाल्डो सॉरी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत। मैं वापिस आया, जो एडिशनल सीपी थे वो मुस्लिम थे, आगे चलकर वो मुंबई के प्रधान सीपी बने थे। वो मुझसे झगड़ने लग गए कि आप हिंदू लोग दूसरे धर्मों के लोगों को तकलीफ देते हो। मैंने बोला मैं रोज गाली खाता हूं कि आप हिंदू होकर हिंदुओं को तकलीफ देते हो और आप कह रहे हो कि दूसरे धर्मों के लोगों को तकलीफ देते हो। वो सुनने को तैयार नहीं। मेरे ध्यान में आया कि ये कोई भी अभी केस दायर करने वाले नहीं है। दूसरे दिन हमने तैयारी करना शुरू कर दिया कि फिर कोर्ट की तरफ जाए और अवमानना की कोर्ट की ऐसा फिर से केस दायर करे। उसके पहले ही रात को मॉरिस सेरुलो को विमान में बिठाकर, एरोप्लेन में बिठाकर अमेरिका भेज दिया गया, क्योंकि वो अमेरिकन था। उसका तीसरा दिन रद्द हुआ, 10,000 लोग वहां इकट्ठा होते थे। तो नागपुर शहर ही केवल पोलखोल शहर ऐसा नहीं है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आज तक कई हजार लोगों का पोलखोल किया है।